मयूरी और मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपको शाही पनीर की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी क्रीमिश बनी है, ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। अगर आप कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पा रहे हो तो एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई करना, आप रेस्टोरेंट को मिस नहीं करोगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी क्रीमिश है, तो एक बार आप इस तरीके से ये सब्जी जरूर ट्राई करना। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लिए हैं। हमें सबसे मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है इसके रेशियो का। अगर आप टमाटर 4 ले रहे हो तो उसकी आधी क्वांटिटी में हमको ऑनियन लेने हैं, तो हमने यहाँ पर 2 ऑनियन लिए हैं। ज़्यादातर सब सब्जियों की ग्रेवी लगभग, जो भी पनीर की सब्जियाँ होती हैं लगभग उसकी ग्रेवी एक जैसी ही होती है, बस उसमें डिफरेंस होता है तो रेशियो का। इसलिए आप जितनी क्वांटिटी में टोमेटो ले रहे हैं उसका आधा आप ऑनियन लीजिए। अब हम टमाटर और ऑनियन को रफली चॉप कर लेंगे। हमने यहाँ पर टमाटर और ऑनियन को रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। अब टमाटर और ऑनियन को कढ़ाई में डाल देंगे। हमने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है। अब हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे। गैस को अभी हम लो कर देंगे और यहाँ पर मैं 8-10 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, एक टुकड़ा अदरक का, आप देख सकते हैं एक टुकड़ा अदरक का, एक तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च खड़ी। अगर आपके पास ये खड़ी लाल मिर्च नहीं हो तो यहाँ पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 ग्रीन इलायची, 2 लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा, अब ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 3 से 4 काली मिर्च, और यहाँ पर मैं 20 से 25 काजू ले रही हूँ, वो भी हमको इसमें डाल देने हैं। इन सबको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ, नमक अब आपकी टेस्ट अकॉर्डिंग रख सकते हो, और मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे, हमको 1 ग्लास पानी लेना है। अब हम गैस को मीडियम फुल कर लेंगे और लगभग इसको 20 से 25 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, हमारे टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल गल जाए। कवर करके हमको 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर 25 से 30 मिनट लगभग हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। अगर गरम गरम मिक्सी जार में पीसेंगे तो अच्छे से पीसा नहीं जाएगा, बहुत ही गर्म रहता है, इसलिए थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आप मिक्सी जार में डालिएगा। और गरम गरम में आप डालोगे तो मिक्सर के ख़राब होने के भी चांस रहते हैं। हमको इसको बिल्कुल फाइन पीसना है, एकदम स्मूथ बैटर चाहिए हमको। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको अच्छे से पीस लिया है, आप देखिए बिल्कुल हमने इसको फाइन पीस लिया है, बिल्कुल हमको इसको फाइन पीसना है, आप देखिए। अब हम इसको छान लेंगे। मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ, इसमें छलनी से छान रही हूँ। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, ये आप स्किप मत करना, छानने से इसमें
जो भी वेस्ट होगा वो भी निकल जाएगा और हमारा ये जो बैटर है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरे मिश्रण को छान लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको भी क्लीन करके इसमें डाल लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा मिक्सर में पानी डाल के मिक्सर चला भी सकते हो, तो इससे एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे कितना वेस्ट निकला, इसलिए छानना बहुत जरूरी है। नीचे से भी हम छलनी को क्लीन कर लेंगे क्योंकि उस पर लगा हुआ रहता है। तो आप देखिए हमारा बैटर कितना स्मूथ है, बिल्कुल क्रीमिश हो गया है। आप चाहो तो अगर आपका पानी बैटर में थोड़ा सा कम हो तो आप यहाँ पर मिला सकते हो। पनीर की सब्जी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून बटर डाला है और थोड़ा सा हम ऑयल मिलाएंगे, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच, ताकि हमारा बटर जले नहीं। गैस को हमने ऑन कर दिया है, अब हम थोड़ा सा बटर को मेल्ट होने देंगे। अब हम यहाँ पर पनीर पीसेस रख देंगे। मैंने लगभग 200 ग्राम के आसपास पनीर लिया है। ये होममेड पनीर है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी। गैस को हम मीडियम फ्लेम रखेंगे, थोड़ी देर बाद हम धीरे से इसको पलट देंगे। और यहाँ पर ही हम साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक छोटा चम्मच मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और एक हरी मिर्च जिसको मैंने लंबा लंबा आधा काट लिया था और एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैं जीरा डाल रही हूँ ताकि हमारा ये साथ में भून भी जाएगा। हल्के हल्के हाथों से हम इनको पलटते रहेंगे ताकि हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो हमारा यहाँ पर पनीर और मसाला अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून चुके, तो हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो हम उस पर डाल देंगे। और धीरे से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। जैसे ये गर्म होगा छींटे उड़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम डाल रही हूँ, लगभग मैंने एक छोटा बाउल यहाँ पर क्रीम लिया है। क्रीम डालने से ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगी और इसको शाही पनीर के नाम से जाना जाता है, तो क्रीम तो इसमें बनता ही है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी ये शाही पनीर की सब्जी कितनी क्रीमिश हो गई है। अब हम यहाँ पर एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे जिसको मैं यहाँ पर क्रश करके डाल रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके 1-2 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, मेरे साथ यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालना बताना मिस हो गया था। तो अब जब भी सब सब्जियों प्याज और टमाटर को जब भी बॉईल करो तब आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देना। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर लेंगे। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर सब्जी को बाउल में निकाल लिया है। अब हम ऊपर से थोड़ा क्रीम से गार्निश कर लेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमिश और कितनी यम्मी लग रही है। तो इस तरह से आप ये शाही पनीर बनाओगे
तो रेस्टोरेंट को कभी मिस नहीं करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी जाने का टाइम आ चुका है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।